बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ घर में मक्खन बनाने का, नॉट पीनट बटर, दूसरा बटर ना, प्लेन बटर। और कितने आराम से बनाते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए उसके लिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा थिक क्रीम ली है और मैं उसको प्रोसेस में डाल के और उससे बनाना बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो तो बहुत अच्छा है ना, उसकी बहुत वो तो बहुत ज़बरदस्त उसका बनता है। मैं दोनों को पहले इसमें डाल के और चला देती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाता है। जब तक मैं इसको डालती हूँ इसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों क्रीम इसमें डाल दी है और ये तकरीबन एक क्रीम जो है तकरीबन है 300 ml के बराबर है। और मैं इसको बिस्मिल्लाह करके पहले स्लो पे करती हूँ, फिर उसके बाद तेज पे। और ये देखें इस तरह मिक्स होता रहेगा, विस्क हो रहा है इसमें। फिर आस्ते आस्ते मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे बनने में, तो मैं आपको 3 से 4 मिनट बाद बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये देखिए मक्खन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। 3 से 4 मिनट, मगर रोक रोक के चलाइएगा मशीन को प्लीज, क्योंकि मशीन कहीं जल नहीं जाए। ये देखिए मक्खन तैयार हो गया। मैं इसमें सबसे पहले ये ठंडा पानी है वो डाल ली हूँ बाउल में। अगर आप फ्रिज का पानी लेंगे तो अच्छा है, चिल्ड वाटर जिसे कहते हैं। ये देखिए इसमें से अलग हो गया पानी, दूध अलग हो गया और ये मक्खन अलग आ गया। मेक श्योर आपके हाथ धुले हुए हो ना। इसमें से एक्सेस भी निकाल देंगे जो है प्रेस करके थोड़ा सा। और हम ठंडे पानी में इसलिए डालते हैं कि टेम्परेचर इसका सेटल डाउन हो जाए। और ये 2 वीक के लिए आपके फ्रिज में सही रहेगा, विद इन अ 2 वीक्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो खुद ही देखिए एक्सेस सब निकल जाएगा। बहुत से लोग इसमें, अगर आप सॉल्टेड बटर चाहते हैं तो इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं और इसमें रॉक सी सॉल्ट डलता है, सॉरी। और कलर के लिए लोग इसमें येलो कलर डालते हैं, मगर जरूरी नहीं कि आप फूड कलर इस्तेमाल करें।
मैं इसको सबको हटाती हूँ। मैं अपने हाथ सस धो के, ये देखिए आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये इसमें बहुत अच्छा शेप आ जाएगा। दूसरा मैं इसमें रखूंगी। ये देखिए ये बटर बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको ट्राई करके ही बताती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट बटर बना है और बगैर केमिकल के, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव चीज के ये घर में बटर तैयार हुआ है। और आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। अगर आप बलाई को स्टोर करते रहें रोजाना फ्रीजर में जमा करते रहें, फिर इस तरह बटर तैयार कर सकते हैं उसका, और बहुत अच्छा बटर बनेगा और बगैर केमिकल के। और प्लीज़ आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि या अल्लाह पाक इस कोरोना की वबा को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।